गृह युद्ध से जूझ रहे लीबिया की राजधानी त्रिपोली में लड़ाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। विद्रोहियों और सरकारी सेना के बीच हो रही भीषण लड़ाई ने त्रिपोली को जंग के मैदान में बदल दिया है और हर तरफ बस तबाही ही तबाही दिख रही है। प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न इस देश के बागी जनरल खलीफा हफ्तार ने अपनी सेना के साथ संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका समर्थित सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए त्रिपोली पर धावा बोला है और जनरल हफ्तार की लीबियन नेशनल आर्मी राजधानी त्रिपोली में लगातार कहर बरपा रही है। वहीं सरकारी सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हालात इतने खराब है कि पूरा त्रिपोली शहर छावनी में बदल गया है और जगह जगह बंकर बनाए गए हैं। इस लड़ाई में अब तक 270 लोग मारे गए हैं, जबकि 1300 लोग घायल हैं और 30,000 से ज्यादा लोग अपना घर बार छोड़कर भाग गए हैं। भीषण लड़ाई के बीच मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने लीबिया में बढ़ते संकट का हल निकालने के लिए तत्काल राजनयिक पहल की मांग की है। لقد تعرض الشعب الليبي الشقيق لعملية استنزاف لمقدراته وموارده على مدار السنوات الماضية وفوضى غير مسبوقة للميليشيات والتنظيمات الإرهابية والتهريب والاتجار بالبشر. बता दें कि राजधानी त्रिपोली में संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका समर्थित सरकार है, लेकिन देश के पूर्वी हिस्से पर बागी जनरल खलीफा हफ्तार की लीबियन नेशनल आर्मी का कब्जा है और अब वे प्रधानमंत्री फयाज अल सिराज की सरकार को हटाकर खुद लीबिया पर शासन करना चाहते हैं। गौरतलब है कि लंबे समय तक लीबिया पर शासन करने वाले शासक कर्नल मुअम्मर गद्दाफी के 2011 में सत्ता से बेदखल होने और मारे जाने के बाद से ही लीबिया में हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है।